इन्वेस्टर की सिचुएशन अक्सर ऐसी होती है जैसे कि अ किड इन अ कैंडी स्टोर। इतनी सारी कैंडीज, सभी देखने में इक्वली टेंटिंग। ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी कैंडी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। इन्वेस्टर के लिए ये भी डिसाइड करना कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा एसेट क्लास बेस्ट रहेगा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर एसेट क्लास का रिटर्न और रिस्क अलग अलग होता है। एंड ऑल्सो दे हैव द पावर टू मेक और ब्रेक योर पोर्टफोलियो। बिफोर वी डाइव इन डीपर, पहले जान लेते हैं कि एसेट क्लास होता क्या है। आपने कभी आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स के फ्लॉक यानी कि झुंड पर ध्यान दिया है? कैसे एक ही स्पीसीज के बर्ड्स एक ग्रुप बनाकर सेम डायरेक्शन में उड़ते हैं? एसेट क्लास भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। एसेट क्लास एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एंड दे हैव सिमिलर ट्रेड्स एंड आर सब्जेक्ट टू सेम लॉज एंड रेगुलेशंस। ये कंपेरेबल सिक्योरिटीज ज्यादातर एक जैसे ही बिहेव करती हैं। ये टैंजिबल भी हो सकते हैं एंड इनटैंजिबल भी। आप इन्हें खरीद और बेच सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस। सबसे पहले बात इक्विटीज और स्टॉक्स की। स्टॉक्स या फिर इक्विटीज किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी यानी कि ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर भी बन जाते हैं। बट कंपनीज इस तरह से ओनरशिप को इक्विटीज के फॉर्म में सेल क्यों करती हैं? बिकॉज दे नीड मनी ऑपरेशंस और एक्सपेंशन के लिए। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं देन उस कंपनी की परफॉर्मेंस एंड उस स्टॉक की डिमांड आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिटरमाइन करती है। इक्विटीज में इन्वेस्ट करके पैसे बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज जब कंपनी शेयर्स पर डिविडेंड पे करे और दूसरा तरीका है जब आप शेयर्स को बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इक्विटीज बाकी एसेट क्लासेस से ज्यादा रिटर्न्स देती है। बट ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। शेयर प्राइसेस के कम या ज्यादा होने पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी घट या फिर बढ़ सकती है। देयर इज ऑल्सो अ चांस दैट द कंपनी यू हैव इन्वेस्टेड इन कुड गो बस्ट। फिक्स्ड इनकम एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक्चुअली इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि ये हम इंडियंस का मोस्ट फेवरेट एसेट क्लास है। नाम से ही समझ गए होंगे, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम देते हैं। आप अपने पैसे को एक एंटिटी को देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और बदले में आपको मिलता है इंटरेस्ट टिल द मैच्योरिटी डेट, यानी वो दिन जब आपको आपका इन्वेस्ट किया पैसा वापस मिल जाता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सच एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स रिप्रेजेंट डेट इश्यूड बाय बैंक्स, कंपनीज और द गवर्नमेंट। इनसे रिटर्न तो इक्विटीज से कम मिलता है बट रिस्क भी कंपैरेटिवली कम होता है। इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कमोडिटीज एक और प्रोमिनेंट एसेट क्लास है। कमोडिटीज वो गुड्स होते हैं जिन्हें किसी और सामान या सर्विस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स या फिर क्रूड ऑयल। किसी भी इकोनॉमी के चलने और बढ़ने के लिए कमोडिटीज बेहद जरूरी होती हैं। इसलिए दे कुड बी अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कमोडिटीज की प्राइसेस को बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वेदर पैटर्न्स एंड टेक्नोलॉजी। आप कमोडिटीज में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप दुनिया भर में मौजूद कमोडिटी एक्सचेंजेस पर फिजिकल कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। इनडायरेक्टली यू कैन बाय शेयर्स ऑफ द कंपनीज दैट मेक दीज कमोडिटीज। रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग दोनों इंक्लूडेड है। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हो सकते हैं जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं या फिर आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन रिटर्न आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि रेंटल इनकम, कैपिटल अप्रिसिएशन एंड टैक्स बेनिफिट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर आते हैं सेविंग्स अकाउंट्स, मनी मार्केट फंड्स एंड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड इनमें रिस्क भी काफी कम होता है। बट इनसे आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रख सकते। दे कैन बी यूजफुल फॉर होल्डिंग फंड्स दैट यू मे नीड टू एक्सेस क्विकली। टिपिकली ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्हें शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत पड़ती रहती है जैसे कि बिजनेसमैन। याद रखिए हर एसेट क्लास के रिटर्न्स एंड रिस्क लेवल अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल एंड स्ट्रेटेजी को ध्यान में जरूर रखिए। Also, do you know that we have reimagined the mutual funds experience on the all-new Upstocks? Try it now. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.